देश भर में 6 चरणों के मतदान के बाद लोकसभा चुनाव आखिरी दौर में जा पहुंचा है। 18वीं लोकसभा के लिए अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा और उसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, जिसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। देखिए, हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जनता के बीच में थे और जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद देने का काम किया है। 23 में जिस तरह से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ था, कमोवेश 24 में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है और हम मिशन 29 को लेकर जो आगे बढ़ रहे थे, हम 29 की 29 सीटें जीतने वाले हैं। अब ये मुंगेरी लाल के असीम सपने कांग्रेस और उनके अध्यक्ष देखें तो भगवान ही उनका मालिक है। जब आपने बोया पेड़ बबूल का और आप आम की इच्छा कर रहे हो, आप जनता के बीच गए नहीं, आपके पास कोई मुद्दे थे नहीं, न नेता था, न नीति थी, न नियत थी, और कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज था जिसको 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता छोड़कर भाजपा का दामन थामे है। अब उसके बाद भी अगर ये लोग लड्डू बनवा रहे हैं और रंग रोगन करा रहे हैं तो इनका तो भगवान ही मालिक है। अब कांग्रेस इस बार डबल डिजिट में भी नहीं आएगी देश भर में, नमन जी। और अब ये सपने देख रहे हैं, इनको सपने देखने दीजिए। मिठाइयां भली ये बनवा लें पर वो काम भाजपा के ही आएगी। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा है और उस जबरदस्त चुनाव लड़ने पर कार्यकर्ताओं की दम पर और किए गए कार्यों की दम पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम भाजपा से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में हैं, क्योंकि हम बहुत जबरदस्त टक्कर हमने उनको दी है। उनकी कई बड़ी बड़ी सीटें जिनके नाम लेना भी अभी आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन हम बता ही दे रहे हैं गुना सीट पर भी भाजपा ये न जान ले कि वो चुनाव जीत गई है। कुल मिला के कांग्रेस बहुत जबरदस्त तैयारी में है। रहा सवाल, आपने कहा जश्न की तैयारी, तो स्वाभाविक है जब हम इतने दिनों बाद सरकार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो जश्न की तैयारी तो बनती है। इसलिए माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम जश्न ही मनाएंगे। ऊपर वाले की कृपा रही तो निश्चित रूप से जश्न ऐसा होगा जो ऐतिहासिक होगा। देखिए, वो उनका मुँह है, वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय तो विदेशों में जाके यहाँ तक बोले हैं कि हमें 600 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री चुना है। कभी 400 पार की बात करते हैं, उमा भारती जी 500 पार की बात कर रहे हैं। ये उनका मुंह है, कुछ भी बोलते रहे, पर हम जो बोल रहे हैं वो हकीकत है। हमने जो जमीन पर किया है, हम जो उसकी दम पर बोल रहे हैं। और ये 10 साल की भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार की विफलता, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जुमले, इससे देश तंग आ चुका था, परेशान आ चुका था। और हमने इस जनता के मुद्दों को लेकर के, कांग्रेस क्या करेगी इन मुद्दों को लेकर के, हम जमीन पर पहुंचे, इसका रिजल्ट आने वाला है।